अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले जी वेलकम टू अनदर व्लॉग। जी जनाब, तो कल के व्लॉग कैसा लगा? कमेंट्स वगैरह ये सब करते रहा करें। सेकंड थिंग ये है कि जी आज का दिन यहाँ पे ऐसा है कि सर्दी सर्दी सी है, इतनी नहीं है लेकिन है कि आज धूप भी निकली। हमने कल इतना सारा काम किया था, खूब सारा थक गए थे। आज आराम से उठे, घर तो मेरा साफ ही था। ये देखें इतने सारे कपड़े धो धुला के यहाँ पे ला के रखे हैं, अभी संभालने हैं। वो कहते हैं ना, कपड़े धो लो और उसके बाद जो उनको संभालने का काम है ना, वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये वाले कर्टन्स हमने अपने लगा लिए हैं, ये हमने लगा लिए अपने कर्टन्स। अब जो दूसरी साइड है, ये वाली जो मेरे पीछे है, ये वाली, और जो मेरे पीछे है वो वाली, वो साइड जो है वहाँ पे आज हमने पर्दे लगाने हैं, वो हस्बैंड लगाएंगे। मैंने अभी खाना बनाना है, उसे फारिग हो के फिर मैं इनके साथ सारे कर्टन्स दोबारा लगवाऊंगी। ये भी बड़ा काम होता है, आपको घर साफ करो, उसके बाद धो, फिर उसको दोबारा चीज़ों को अरेंज करो। अभी भी छोटे मोटे काम है जो करने, करके अपना शोकेस साफ करना, जैसे मेरे सारे बर्तन हैं, बहुत सारे काम है जो ख़त्म नहीं होते। आज आप लोगों से बड़े मज़े की रेसिपी शेयर करूँगी, वो भी एक सीक्रेट है। सब बनाते हैं ऑब्वियसली सर्दियों में, लेकिन मैं मेरे तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बड़े मज़े की बनेगी और जो नहीं भी खाता वो भी खाएगा। लेकिन ये रेसिपी बेसिकली है मेरी सिस्टर की। मेरी सिस्टर ने इसका सीक्रेट मुझे बताया था, क्योंकि मैं खुद नहीं खाती थी, मैं शौक से खाती हूँ क्योंकि मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत टेस्टी बनती है, कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े की बनती है। आप लोगों से भी उसको शेयर करूंगी, बनाने जा रही हूँ खाना घर के लिए। बाकी जो दिन है, रूटीन है अपनी कैट्स के साथ, अपने घर के साथ, वो सब आप लोग। आज बहने हो जाओ चौकस और कर लें फोकस, क्योंकि मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ अब शलजम पालक की रेसिपी। शुरू मैंने कर लिया है, प्याज को मैंने काट के ऑयल में फ्राई कर लिया। लाइट सा हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, मतलब ब्राउन बनी हल्का सा गोल्डन करेंगे। फिर इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का जो मैंने चॉप किया हुआ है, हरी मिर्च भी डाली हुई है मैंने। लहसुन आप लोगों ने ले लेना है 8-10 जवे, और अदरक भी उसी हिसाब से जितना एक सालन में रिक्वायर होता है वो ऐड कर देना है इसमें। उसके बाद इसको अच्छे से भूनना है। फिर इसमें मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए हैं। इसको जैसे ही टमाटर गल जाए, फिर आपने इसमें अपने तमाम मसाले ऐड करने हैं। जैसे कि जो मैंने इसमें शामिल किया वो था ज़ीरा, लाल मिर्च, और क्या कहते हैं ये, सूखा धनिया, हल्दी और नमक। इसको डालकर आपने इस मसाले को अच्छे से भूनना है। जैसे कि मेरा मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है, अब इसे मैंने ऐड कर दी है पालक, जो कि मैंने धो के रखी थी। पालक मैंने पहले क्यों ऐड की है, क्योंकि मैंने एक साइड पर जो शलजम है ना वो बॉयल होने रखे हुए थे। देखिए मेरे शलजम बॉयल हो चुके हैं बड़े अच्छे से। ये था जी मेरा सीक्रेट कि जी शलजम मैं अपने ना शलजम पालक में शलजम बॉयल करके ऐड करती हूँ, क्योंकि मैं जो शलजम पालक है ना मैं नहीं खाती थी पहले, मुझे इसमें से एक हीक सी आती थी। शलजम का एक होता है टेस्ट, कड़वाहट या कुछ भी आप कह लें, अगर आप इसे बॉईल करके उसका जो पानी होता है ना वो उसे रिंस कर दें, और ये बॉयल शलजम आप जब इसमें डालेंगे तो ये हाफ डन हुए हैं, तो आपके जो पालक का रंग है ना वो भी ख़राब नहीं होगा। और शलजम बड़ा अच्छे से हाफ डन हुआ होता है, हाफ से ज़्यादा ही डन हुआ होता है, तो अच्छा, बहुत अच्छा गल जाता है और घुल जाता है, और ये इतना टेस्टी बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। इस रेसिपी से शलजम पालक बनाए, फिर आप लोग मुझे दुआएँ देंगे। ट्राई करके ज़रूर बताना है आप लोगों ने, मेरी रेसिपी से ज़रूर बनाना शलजम पालक। मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी कि आप देखना कि मेरी जो पालक है ना उसकी शक्ल ख़राब नहीं हुई। ये देखें जी शलजम पालक बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल शलजम गल चुका है, ज़रा धुआं धुआं और है ज़रा, जब तक नट आया ये हट जाए तो आपको बड़े क्लियर इसका व्यू नज़र आ जाएगा कि कितने अच्छे पालक का कलर भी आया हुआ है, शलजम बहुत अच्छे से गल गया है। अब मैं क्या करूँगी, जो शलजम होगा ना मैं उसको मैश कर रही हूँ, यानी आप शलजम को मैश कर दें तो बड़े अच्छा ही शलजम पालक का ना घुला घुला सा एक सालन बनता है। बाज लोग जिन्हें पसंद है अगर शलजम ऐसे वैसे भी रख सकते हैं, लेकिन मैं शलजम को मैश कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इसी तरह से खाते हैं, मेरी सास भी इसी तरह से खाती हैं। तो देखिए मेरी पालक का कलर बड़ा अच्छा है और शलजम बड़े अच्छे से कुक हो चुका है। बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी बनती है, और ये सब्ज़ी जो है ना ये सालन सर्दियों में बहुत टेस्टफुल लगता है। अगर आपके पास देसी घी है तो उसकी चुपड़ी रोटी इसके साथ बनाएं, लगा के खाएं, बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये देखिए मैंने सारा अच्छे से इसको मैश कर लिया है।
और उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कि माश हो गई। देखें लो जी बहनों, मैं पी रही हूँ चाय। अब मैं लेट गई हूँ, बैठ गई हूँ अपने बेड पे, थक गई मैं आज बहुत ज़्यादा। कल भी बहुत सारा काम किया, आज भी बहुत सारा काम किया। मैं पी रही हूँ साथ साथ चाय। सालन मेरा बहुत अच्छा बना था, आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा शलजम पालक बनेगा आप लोगों का। दूसरी चीज़ ये है कि कल नए व्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, कमेंट भी कर दिया करें, सब्सक्राइब ज़रूर करना ना भूलें। दूसरी चीज़ ये है कि जी अब मुझे लग रही थी शदीद किस्म की सर्दी, मैंने कहा कंबल में घुस जाएं, इससे पहले कि ठंड सही की लग जाए। तो साथ साथ चाय चल रही है, और अब मैं सो जाऊंगी। नहीं, सबसे पहले तो मैं अपना लैपटॉप निकालूंगी, उस पर मैं करूंगी अपनी वीडियो एडिट। वीडियो एडिट करने के बाद फिर मैं सो जाऊंगी। स्टे ट्यून्ड विद रुकी व्लॉग्स, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है? अंटम नहीं लाए? नहीं, वो मेरे बेड पे घुसी थी आराम से। हमारी जो अंटम बिल्ली है ना, वो चलो शुक्र है थोड़ी रिलैक्स हो गई है, उसको आए हुए 5 दिन हो गए, उसने कुछ सही से खाया भी नहीं था और हम उसके लिए परेशान थे। लेकिन अब ये है कि वो कुछ ठीक होने लग गई है, वो सुंडी की तरह घर में घूमती रहती है। खैर जी, इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।